आपकी मेरी शर्ट काफी हद तक मिलती जुलती है यस सर कहां से ली भाई <laughs> सर से, कहा से दिल्ली से चोर, दिल्ली में से, से? चोर बजा। बजा <laughs> मेरी ऐसी एक शर्ट चोरी भी हो गई थी <laughs> <laughs> आज तक यहां पर जितने भी गेस्ट आए हैं उसमें से सबसे छोटी एज इनकी है जो अभी ये गेस्ट आने वाले हैं वो सिर्फ 19 साल के हैं और उनके यूट्यूब पर तीन मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और करोड़ों व्यूज हैं तो प्लीज गेव एन एनर्जेटिक इन वॉर्म वेलकम टू द वन एंड ओनली दीपक दहिया थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे हुई कहाँ से थॉट आया इंस्पिरेशन आई यूट्यूब जर्नी के बारे में बताऊँ उससे पहले मेरी इच्छा है कि मैं आपके बारे में बताऊँ कि मतलब आपको मतलब मुझे कैसे इं इंट्रोड्यूस हुआ था मतलब मैं एट्थ क्लास में था आज से सात साल पहले की बात है एट्थ क्लास में हम कुछ फ्रेंड्स वगैरह स्पोकन इंग्लिश क्लासेस जाते थे तो वहाँ पर एक सर थे हमारे तो उन्होंने एक बार कहा कि आज ना सेमिनार दिखाएंगे आपको तो किसका सेमिनार है कि संदीप माहेश्वरी का तो हमने पूछा ये कौन है तो उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मोटिवेशनल स्पीकर है या कोई बिजनेस है उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन कही कि वो बंदा है जो मुर्दे में भी जान डाल दे फिर मेरा ऐसा था कि मतलब लाइफ में क्लियर नहीं था कि करना क्या है मैं अ, क्या करूं क्या करूं मतलब करना बहुत कुछ सर ने आग लगा दी अंदर की पर ये समझ यार करूं क्या मैं तो रैंडमली फिर ये माइंड में आ ही गया कि मतलब अभी मैं क्या कर सकता हूं ये मेरा क्वेश्चन था कि अभी मैं क्या कर सकता हूं बात की छोड़ो तो अभी एक ऑप्शन था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ यूट्यूब तो फिर वो मैंने स्टार्ट किया और तब आपकी एज सिर्फ सोलह साल थी सोलह साल थी इतने टाइम बाद जाकर के आपको रिजल्ट मिला यूट्यूब से uh, सात महीनों बाद सात महीने तक आपकी वीडियोस पे नॉर्मल व्यूज आ रहे थे बहुत कम व्यूज जो ज्यादा वायरल हुई थी वीडियो जिसकी वजह से मेरे काफी सब्सक्राइबर्स गेन काफी व्यूज आए चैनल पर काफी ऑडियंस आई तो वो अराउंड नौ uh, महीने बाद चैनल ग्रो हुआ था आप ये मान सकते हो उसमें कुछ गलती हो गई थी मेरे से डालना कुछ छोड़ता था डाल को छोड़ दिया था वो वीडियो वायरल हो गई और आज इस वीडियो पे मिलियन मिलियन व्यूज है सॉरी तो इस पूरी जर्नी में सबसे बढ़िया मूवमेंट कौन से थे और सबसे खराब मूवमेंट कौन से थे सबसे बढ़िया मूवमेंट था मुझे अभी भी याद है मेरे जब वन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे सबसे खराब फेस कौन सा था आपकी लाइफ का सबसे खराब फेस था वो कैमरा पे शो नहीं कर सकते हाँ यहाँ जो ऑडियंस है उसको उनको बता सकता हूँ ये अपार्ट आपको कट करना पड़ेगा ये एडिट करना पड़ेगा एडिट करना पड़ेगा तो थोड़ा कम खराब बता दो जो कैमरे में हम दिखा सके आ, कम खराब तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बट कैमरे तो में क्यों नहीं दिखा सकते कितना खराब अच्छा ब्रेकअप वगैरह कुछ था क्या राइट हाँ तो नाम मत बताओ वैसे हाँ। लोगों को इसी में इंटरेस्ट आ रहा है आ, हाँ। मतलब बाकी सबका इंटरेस्ट इसी में इसी है जो आप नहीं बताना चाहते अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहते हो बिना नाम लिए बिना कुछ बोले तो आप बता सकते हो ब्रेकअप हुआ वो एक प्रॉब्लम चलो नॉर्मल है कईयों के साथ होती है पर सबसे टफ चीज ये थी कि मेरा ट्वेल्थ का एग्जाम चल रहा था उस वक्त और ट्वेल्थ में भी सबसे टफ पेपर मुझे लगता है मैथ्स का उसी पेपर के जस्ट पहले सब कुछ हुआ था उस पेपर हाँ। के जोक था हर एक को समझ नहीं आया होगा <laughs> मेरा क्वेश्चन ये है कि ज्यादातर मोटिवेशनल वीडियोस हम देखते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म का मोटिवेशन मिलता है लॉन्ग टर्म तक मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं हर वक्त हर कोई मोटिवेट नहीं रह सकता वो चाहे मैं हूँ फिर सर हो हर वक्त तो एनर्जी हाई रह ही नहीं सकती बात रही कई लोगों के मानने की मोटिवेशन वीडियो देखने से कुछ नहीं होता शॉर्ट टर्म में सिर्फ एनर्जी रहती है माना कि शॉर्ट टर्म में मोटिवेट हो जाते हैं फिर वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं लेकिन उनमें जो बातें बताई जा, जाती है ना वो हमारे साथ जिंदगी भर ही रहती है भले वो जो फीलिंग है एनर्जी है वो टेम्प्ररी है लेकिन जो बातें बताई जाती है जो लाइन्स होती है वो परमानेंट होती है तो आपको वहाँ पर फोकस करना चाहिए मोटिवेशन क्या होता है एक होता है मोटिवेशन कि मैं यहाँ पर स्टेज पर खड़ा हो जाऊँ या अपनी कोई वीडियो मेरी आप देख रहे हो जहाँ पर मैं पूरी एनर्जी के साथ आपको कुछ बोल रहा हूं आपको घुसबम्स आ रहे हैं रोंगटे खड़े हो गए हैं जोश आ गया है ये हो गया उसको आप मोटिवेशन बोल सकते हो अगर मेरी पांच सौ तक अपलोड करी है उसमें से ऐसी कितनी है जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाली है और कितनी ऐसी है जो अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करती है मैक्सिमम टेन परसेंट बाकी नाइनटी परसेंट कौन सी है अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ अबाउट माइंड अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ क्योंकि अगर आप मोटिवेशन की बात करोगे यस मोटिवेशन इज टेम्पररी बट जब मोटिवेशन काम आता है तो वही काम आता है जैसे इनका अपना मोटिवेशनल वीडियोस का चैनल है आई थिंक आपकी 90 परसेंट जो वीडियोस है वो मोटिवेशनल है राइट तो जब मोटिवेशन की आपको जरूरत है तो मोटिवेशनल वीडियोस ही काम आएंगी ना जैसे डेली हम कुछ खाते हैं तो वहां से एनर्जी मिलती है फिर हम काम करते हैं तो ऐसे ही मोटिवेशन है मोटिवेशन कहो या कुछ पॉजिटिव थिंकिंग हो डेली आपको कुछ मिलता है तो उससे एनर्जी मिलती है फिर आप अपने काम पर फोकस करते हो वो मोटिवेशनल सॉन्ग भी हो सकता है मोटिवेशनल भी हो सकती है तो वो हो गया शॉर्ट टर्म लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको अगर आप समझ लेते हो तो उसके बाद में वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा के लिए रहती है देखो मैं एग्जाम्पल देता हूं क्या है मैं आपको बोलता हूं आप सब कुछ कर सकते हो दुनिया की कोई ताकत आपको करने से रोक नहीं सकती आगे बढ़ो छोड़ दो सबको ये वो बटेवर ये क्या है मोटिवेशन है अब मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो माइंड है ना हमारा ये रेस्टलेस है तो ये क्वेश्चन मत पूछो कि माइंड को पीसफुल कैसे रखा जाए ये पूछो कि अगर माइंड रेस्टलेस भी है तब भी हम कैसे अपने गोल पे फोकस रहे ये क्या है अंडरस्टैंडिंग है इज बेस्ड अपॉन सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए मैं किसी को हर्ट कर देती हूँ चाहे फिर वो मेरे पेरेंट्स हो मेरे सिबलिंग्स हो या फिर फ्रेंड्स हो पेरेंट्स और सिबलिंग तो समझ जाते हैं कि वो मुझे जानते होते हैं कि इसने अगर इस कुछ बोला है तो क्यों बोला है लेकिन कई बार फ्रेंड्स नहीं समझ पाते और इस वजह से ऐसा होता है कि उनसे बिल्कुल ही मतलब खत्म बातचीत बिल्कुल खत्म हो जाती है तो फिर उस महा पे भी मेरा दिमाग नहीं लग रहा होता है ना उसका प्लस भी है माइनस भी है अगर आप चाहते हो जिंदगी में तो तो उसमें से कुछ बातें किसी को अच्छी लगेंगी किसी को बुरी लगेगी कुछ को बुरी लगेंगी तो दिस इज पार्ट ऑफ द पैकेज ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने मुंह से कुछ भी बोलो चाहे अपने दोस्तों को रिलेटिव को इसको किसी को भी कुछ भी बोलो और सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगे सुनने में वो तब हो सकता है जब आप बहुत बढ़िया एक्टिंग करना जानते हो लेकिन वो एक्टिंग कुछ देर तक तो आप कर सकते हो लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ कब तक एक्टिंग करते रहोगे घर में कब तक करोगे वहां पे तो जो भी आपके अंदर है गुस्सा भी है जेलसी भी है किसी को अगर ये गलत है ना मेरे अंदर ये सब नहीं है तो वो महा बेवकूफ इंसान है सब कुछ सबके अंदर होता है होता है नहीं होता है तो हमारे अंदर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है अच्छे से अच्छा भी कुछ है हमारे अंदर हमारे अंदर बुरे से बुरा भी कुछ है तो जैसे ही कोई इंसान हमारे साथ में रहता है या रहती है वक्त बिताते हैं साथ में तो उनके पत्ते खुलने लग जाते हैं आपकी जो वीकनेसेस हैं वो भी सामने वाले के आगे आती हैं वो किसी को नहीं चाहिए फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स हैं आप क्या चाहोगे वो आपसे अच्छे से बात करें या गुस्से से बात करें अच्छे से बात बट गुस्सा तो है उनमें तो कभी ना कभी तो गुस्सा आएगा जब आएगा तो आपको उन पर गुस्सा आएगा ये भी नेचुरल है तो इस बात को अच्छे से समझ लो कि लाइफ में जब भी कुछ करोगे तो वहाँ पे सक्सेस फेलियर रहेगा ही रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा ही रहेगा अच्छाई बुराई रहेगी रहेगी लव भी मिलेगा हेट भी मिलेगा सेम इंसान से मिलेगा लाइफ के अलग अलग फेजेज में आज आपको लगेगा इससे बढ़िया तो कोई इंसान ही नहीं आपको लग रहा है अरे वाह क्या बात है मेरी तो किस्मत खुल गई है वो अगले दिन आप कह रहे भाई कहाँ फंस गया ये कहाँ किन चक्रों में पड़ गया अकेला ही अच्छा था अकेली अच्छी थी वट राइट right? ये पार्ट ऑफ लाइफ है तो इन बातों को धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो बातें समझ आने लग जाती है इन इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो क्या है कि आपके पास में में, कोई गोल होना चाहिए लाइफ में, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ते ही चले जा रहे हो। ये सब जो चीजें हैं ना फिर इतना असर नहीं करेगी अगर आप वेले हो, खाली हो तो ये सब चीजें आपको बहुत तंग करेगी दीपक सर मेरा क्वेश्चन आपसे है एंड यू डिड इट इलेव फाइनल्स सो so, मेरे को भी लाइक उसके साथ कुछ करना है बट पता नहीं चलता कि लाइक वट टू डू सो लाइक आपको जैसे अपना यूट्यूब कैसे मिला है मेरे को वो पूछना है आपसे लाइक हाउ यू एंड अप विद यूट्यूब वही मैंने बताया था ना कि एलेवन चल रही है क्लास लेकिन इसके साथ साथ मुझे कुछ ना कुछ करना है पढ़ाई में ठीक ठाक भी जैसे नहीं कि उसको पूरी तरह से छोड़ दिया तो कुछ ना कुछ करना है तो एक ही ऑप्शन लग रहा था कि हम यही कर सकते हैं इसके अलावा और कहीं जाकर कुछ तो कर नहीं सकता क्योंकि स्कूल वहीं पर तो वहीं पर रहना है तो वही ऑप्शन था कुछ ना कुछ करना था कुछ करने की जो आग होती है ना अंदर वही आपसे कुछ ना कुछ करवाई लेगी और अंदर से निकल के आएगा एक न कि हाँ मुझे ये करना है अभी पता नहीं होता हमें कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ लेकिन जब होता है ना अंदर से तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ऐसा ऐसा निकल करके आएगा फाइनल मिलेगा कि कि हाँ, मैं इसके लिए बनाओ। होगा सर हमारा ये क्वेश्चन है कि कई बारी हम न्यूट्रल नहीं रह सकते लाइफ में कि हमें कोई सिचुएशन संभालनी है लेकिन हम कितनी कोशिश कर लें वो उल्टी ही होती जा रही है मतलब छूटता ही जा रहा है कुछ ना कुछ और वो हमारे जो आसपास सराउंडिंग है हमारे लोग हैं उनको अफेक्ट कर रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे उसमें सर हम क्या करें उस वक्त कई बार कुछ ना करना ही सोल्यूशन होता है टाइम के साथ साथ वो चीज अपने आप हील हो जाती है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे मान लो कुछ चोट लग गई अब आपको खुजली हो रही है उसको खुजाओगे तो क्या होगा जख्म <laughs> और गहरा हो जाएगा तो अब सोल्यूशन क्या है कुछ करना है या कुछ ना करना <laughs> कुछ ना करना कुछ ना करना। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जब आपको समझ आ जाता है कि करने से वो सिचुएशन और बिगड़ेगी यानी खुजली हो रही है जितना खुजाओगे और जख्म गहरा होता जाएगा और वो और टाइम लेगा तो आपको क्या करना है ताकि आपका ध्यान उस खुजली की तरफ ना जाए कोई और काम करो बिजी रहो खाली बैठे रहोगे तो सारा दिमाग में वही चलता रहेगा दर्द हो रहा है जी ये हो रहा है जी वो हो रहा है जी अरे हो रहा है तो हो रहा है पार्ट ऑफ लाइफ है सर मेरे एक बेसिक क्वेश्चन में आपके दोनों के लर्निंग फेज सीखना चाहता हूँ जिसकी ये जो थॉट होता है जो मन होता है वो पहली बार जब कोई विचार हमारे मन में आता है फिर क्या फिर होता है कि हम उसमें उलझते चले जाते हैं फिर ये हमें काफ़ी टाइम के बाद रिलइज़ होता है कि हम काफ़ी टाइम से अपना दे चुके हैं लेकिन वो गलती ही पता नहीं चलती है सर इसे कैसे बचा जाए कि पहला थाट क्या था वो जहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और एक घंटे दो घंटे बाद जहाँ पर हमने अपना थाट खत्म किया पता नहीं चलता है कि हमने लगभग दो घंटे का समय अपने सोचने में निकाल दिया है सर उससे कैसे बचा जाए जो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें हमारा चला जाता है तो ये थॉट है फालतू या फिर कुछ काम का थॉट है एक काम का पहला थॉट आया कि जैसे क्रिएटिविटी लिखे कि हाँ मुझे ये काम करना है हाँ। वो मैंने सोचा फिर उसके बाद उसी थॉट में जैसे चेन बंद चले जाती है उसके बाद ये उसके बाद ये उसके बाद इसके बाद ये तीन से चार घंटे उसमें निकल जाते हैं या कभी कभी सोचते रहते पता नहीं चलता कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी सोचने की तो, तो सही है ना अगर सही के बारे में सोच रहे हैं तो और सोचो कुछ नया मिलेगा अगर कुछ भी इन्वेंशन होता है तो ऐसे ही तो होता है सोच करके ही होता है और थिंकिंग से ही होता है नेगेटिव थिंकिंग बुरी है और थिंकिंग बुरी नहीं है अगर तो आप अपने माइंड में जा करके फंस रहे हो यानी कि आप फंस गए हो एक घंटे तक और कुछ भी नहीं निकला उसमें से तो वो थिंकिंग बेकार है किसी काम के लिए टाइम वेस्ट हो गया है आप क्या कर सकते हो पेपर पेन ले करके करो अपना जो भी आपको करना है माइंड मैपिंग करना सीखो मैंने अपने कई सेशन में अलग अलग बोला है ये बहुत पावरफुल टूल है कि माइंड जिस तरीके से हमारा सोचता है ना उसको आप पेपर पे कन्वर्ट करो पेपर पे लिखो कि जो भी आप करना चाहते हो उसको सेंटर में लिखो फिर उसकी ब्रांचेस निकलेंगी फिर उसकी सब ब्रांचेस निकलेंगी जिस तरह से हमारा माइंड चलता है तो वो जो माइंड मैप है वो आपके माइंड में छप जाएगा तो आपका माइंड भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से सोचना शुरू कर देगा अभी हमारे माइंड में डिसऑर्डर है अगर आप ऑर्डर लाना चाहते हो तो माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा ट्रेनिंग का जो एक टूल है जो मुझे आज तक लाइफ में सबसे बढ़िया लगा है दैट इज माइंड मैपिंग मतलब अपने माइंड को एक क्लियर गोल देना पड़ेगा ये गोल है जिसे तुझे अचीव करना है मुझे नहीं पता यह कैसे होगा माइंड yes, तू बता यह कैसे होगा तो अपनी ब्रेन के ऊपर आपने छोड़ दिया सवाल पूछ करके तो ब्रेन उसके रास्ते निकालेगा आपको अपने आप उस डायरेक्शन में भगाएगा एंड दैट आइडली हैज टू बी वन पॉइंटेड अगर आपको सक्सेस चाहिए तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू सो मच जी